हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू सिंह। आज की साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल होने वाली है 9 मीटर मराठी साड़ी की, और इसमें मैं आपको बाजीराव मस्तानी मूवी की भी स्टाइल सिखाऊंगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने साड़ी ली है, अगर आप लोगों को पसंद आती है, सेम साड़ी परचेज करनी होगी तो लिंक एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आप कोई सी भी लेगिंग्स या फिर शॉर्ट्स आप वियर कर लीजिए। इसमें हमें पेटीकोट की नीड नहीं लगती है। अब साड़ी को जैसे आप अनफोल्ड करोगे ना, इसका जो पल्लू का साइड है वो हमारे राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। राइट लेफ्ट में अगर कन्फ्यूजन है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस हाथ से ज़्यादा काम आप करते हो वो आपका राइट हैंड है। चलिए साड़ी को पीछे की साइड से घुमा करके हम अपनी पल्लू को राइट हैंड की तरफ कर देंगे। अब लेफ्ट साइड पर हमें थोड़ा सा लेंथ छोड़ना होगा। उसके बाद बीच में हमें दो टाइट नॉट बनाना है। ये नॉट आपकी काफ़ी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी ड्रेपिंग ना हमारी इस नॉट पे ही टिकेगी। चलिए अब यहाँ पे जो पैरों के बीच में आपको फैब्रिक पीछे की साइड पे दिख रहा है ना, इसको हमें उठा करके सामने की तरफ लाना है, एंड नॉट के अंदर से इस तरीके से हमें इसको थोड़ा ऊपर खींचना है। अब आप देखोगे कि पैरों के पास ना बिल्कुल इस टाइप का आपको मिल जाएगा फैब्रिक। तो सिमिलरली हमें ऐसे ही करना है, एंड देन ऊपर गई हुई जो फैब्रिक है उसको हमें नॉट के ऊपर रैप कर देना है, तो वो वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। अब हमारे लेफ्ट हैंड के तरफ जो लेंथ आपको दिख रही है, इसको हमें पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे पैरों के पास जो सटी हुई बॉर्डर हमारी जाएगी पीछे की तरफ घूमकर, हो सकता है कई बार वो इस तरीके से फ्लिप हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको सिक्योर कर लेंगे। एंड देन यही सेम बॉर्डर को जब हम प्लीट्स बनाएंगे ना, तो ये बॉर्डर हमारे ऊपर साइड की तरफ रहेगी। अगर आप चाहते हो कि पीछे की साइड पे जो कास्ठा जिसको हम कहते हैं वो दो बॉर्डर में आए, तो सिंपली आप ना बॉर्डर को इस तरीके से सेट कीजिएगा, एंड देन इसको हमें पीछे की साइड पे ना ऐसे टक कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप उठोगे बैठोगे तो ये चीज़ यहाँ से खुलेगी नहीं, हो सकता है खुल जाए, तो इसीलिए परमानेंटली सिक्योर करने के लिए ना हम सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर करेंगे। तो अब अगर आप ऐसे स्टाइल में डांस वगैरह भी करते हो तो ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब बॉर्डर को ऊपर से खींचते हुए ना हम नीचे की तरफ इस तरीके से थोड़ा सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे जो राइट साइड की तरफ लेंथ है, इसमें जो पल्लू वाला साइड है, सिंपली हमें वो इस तरीके से रफली गैदर करना है, और पूरी फैब्रिक हमें ना पैरों के बीच से नहीं ले जाना है, केवल उतना ही जितना हमें अपनी पल्लू के लिए लेंथ चाहिए होगा। यहाँ पे अभी आपको पल्लू की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब एंड में हम इसको सेट करेंगे ना तो थोड़ी सी ये लेंथ कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम पल्लू की लेंथ निकाल लेंगे। अब जितना भी लेंथ हमारे पैर के सामने की तरफ था, उसको जो हमने नॉट बनाया था ना, उस साइड से लेंगे, एंड देन सिंपली इसमें प्लीट्स बना देंगे। अगर आपको प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप मेरे हैंड्स की मूवमेंट देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपनी प्लीट्स गैदर कर लीजिए। तो क्योंकि ये 9 मीटर की साड़ी है तो प्लीट्स यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैदर होगी, तो इसीलिए आप हमेशा चौड़ी प्लीट्स ही बनाइएगा, ताकि जब ये हम इसको टक करेंगे ना तो ज़्यादा पेट के पास वो फूला फूला ना दिखे। अब सभी प्लीट्स को हमें अपने राइट हैंड की तरफ घुमाना है, और फिर इसको हम अपनी राइट लेग के पास ही टक कर देंगे। नॉट जो हमने बनाया था ना, बीच में बनाया था, तो नॉट पे आपको टक नहीं करना है, इसको नॉट से राइट की तरफ में टक करना है। तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखेगा। अब हम अपनी ना पल्लू पहले सेट कर लेते हैं। वैसे आप चाहो तो आगे की स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पल्लू सेट कर लेती हूँ। तो पल्लू का जो ये ऊपर वाला बॉर्डर है ना, ये हमारी कास्ठा के नीचे से होकर आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पल्लू को हम यहाँ पर कास्ठा के नीचे इस तरीके से फिक्स कर लें। तो अभी तो हमने सेफ्टी पिन यहाँ पे लगाया था, तो टक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सेफ्टी पिन से अपनी कास्ठा के साथ ही इसको सिक्योर कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। अब इसमें जो हमारा ये बॉर्डर लाइन है, इसको हमें सिंपली इस तरीके से लाना है, और इसको हम अपने कंधे पे रख लेंगे। अगर आप चाहो तो क्लिप से इसको कुछ देर के लिए सिक्योर भी कर सकते हो। अब जो दूसरा वाला बॉर्डर है, साड़ी के नीचे वाला बॉर्डर, उसको हमें अपने घुटने को फैला करके उसमें इस तरीके से फंसाना है। तो यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल इस तरीके से टाइट करते हुए हम अपनी शोल्डर प्लीट्स अरेंज करेंगे। तो ऐसी साड़ियों में ना शोल्डर प्लीट्स हम ऐसे ही अरेंज करते हैं, जो हमारी पल्लू में जो बराबर लाइन आती है ना, वो इसमें नहीं आएगी।
अब सिंपली हमें इसको अपने शोल्डर पे रखकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। अगर आप बिगनर हो, नौवारी साड़ी आप पहली बार पहन रहे हो, तो फैब्रिक के लिए ना आप इस साड़ी की फैब्रिक ले सकते हो। ये कॉटन की फैब्रिक है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको ड्रेप करना। चलिए अब हमने जो सामने की तरफ प्लीट्स बनाई थी ना, इसकी सबसे ऊपर वाली प्लीट्स हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे एंड देन जो हमारा बॉर्डर आ रहा है उसको हम अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरीके से सिक्योर करेंगे। वैसे बहुत कोई तो इसको यहाँ पे टक करते हैं, लेकिन टक करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। तो ये जो लुक है, अगर आप देखे होंगे बाजीराव मस्तानी मूवी, तो उसमें एक डांस में उन्होंने पहन रखा है सिमिलर यही स्टाइल। अब लुक एनहेंस करने के लिए आप ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन सकते हो एंड देन हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टाइल रेडी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को जिगजैग पैटर्न वाली नौवारी साड़ी अच्छी लगती है, तो उसको क्रिएट करने के लिए ना आपको अपना स्टेप यहाँ तक करके रखना पड़ेगा। बस जो हमने स्टार्टिंग में पीछे की साइड से फैब्रिक लाकर उठाया था ना, जो हमने नॉट को रैप किया था, वो वाली फैब्रिक आप यहाँ पे निकाल दीजिएगा। उसको निकालने से होगा ये कि सामने की तरफ लेंथ हमारी बढ़ जाएगी और फिर जो हम जिगजैग पैटर्न बनाएंगे ना, तो उसमें हमारी लेंथ छोटी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सामने की तरफ ना लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगा। चलिए अब हम वही करेंगे जैसे हमने प्लीट्स बनाया था और टक किया था, तो इसमें भी हमें वही करना है। प्लीट्स बनाना है एंड देन उसको अपने राइट हैंड की तरफ घुमाते हुए टक करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपनी जिगजैग पैटर्न को क्रिएट करना। तो सबसे पहली वाली जो हमारी प्लीट है ना, इसको हम ऐसे उठाएंगे और अपनी लेफ्ट लेग के पास इसको हल्का सा ऐसे मोड़ते हुए एक बेल टाइप का शेप बनाएंगे। तो बॉर्डर हमारी कुछ ऐसे हो जानी चाहिए और फिर ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसको हम टक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो फैब्रिक जहाँ पे मुड़ रहा है ना, यहाँ से हम फैब्रिक थोड़ा उठाएंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जहाँ पे हमारा पहला बेल बना था, बेल टाइप का शेप, उसके कॉर्नर पे फिक्स करेंगे। वैसे यहाँ पे तो आप नॉर्मल सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो सबसे छोटी साइज़ की सेफ्टी पिन आती है, लेकिन मैं यहाँ पे बटन पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि बटन पिन भी होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। इस टाइप की डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ना हमें बार बार सेफ्टी पिन यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने ये बटन पिन यूज़ किया है। ये कुछ दिखने में इस टाइप का होता है, सामने की तरफ एक पर्ल लगी हुई होती है और बिल्कुल पिन टाइप का ही इसका पीछे का हिस्सा होता है और इसमें ना एक कैप लगाना रहता है। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अमेजोन से मैंने इसको परचेज किया था। तो अब जैसे हमने सेकेंड वाली प्लीट को हमने उठाया था, सिंपली आप वैसे ही नीचे तक बनाते हुए ये डिज़ाइन जा सकते हो। जब तक कि हमारी प्लीट ख़त्म नहीं होती है, तब तक हम ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो लीजिए, हमारी जिगजैग पैटर्न की नौवारी साड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टाइल की तरफ, जो कि मराठी स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको अपनी पल्लू साइड को राइट हैंड की तरफ ले जाना है पीछे की तरफ से, और नॉन पल्लू साइड जो है वो हमें इस तरीके से नॉट बनाना है। तो ये नॉट हमारी राइट हैंड के तरफ ही बनेगी। इसमें भी हमें ना अपने पैरों के पीछे से फैब्रिक को सामने की तरफ उठाना है और जो हमारा लेफ्ट साइड का लेग है इसके ऊपर हमें फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करना है एंड देन टक कर देना है। वैसे मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाया हुआ है नीचे की साइड पे, तो आप भी इस तरीके से सिक्योर कर दीजिएगा फैब्रिक। अब जो पूरी लेंथ हमारे राइट लेग की तरफ है, इसमें से हम इसका पल्लू का फैब्रिक उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने स्टाइल 1 और 2 में किया था। तो पहले हमें पल्लू को रफली गैदर करना है, लेकिन इस स्टाइल में ये जो फैब्रिक है हमारे पैरों के बीच से नहीं, बल्कि साइड से होते हुए इस तरीके से हमारी शोल्डर पे जाएगा। इसमें भी एज यूजुअल पल्लू की लेंथ हम थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सेट करेंगे तो ये ऑलरेडी इसका लेंथ कम हो जाना है। अब लेफ्ट की साइड से ना हम थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे मेजर करेंगे और इसको छोड़ देंगे, और राइट की साइड से जितनी भी फैब्रिक हमारी दिख रही है आपको, इसको हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अब
यहाँ पे जो फैब्रिक की लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अगेन बोलूँगी कि चौड़े चौड़े प्लीट्स ही आप बनाइएगा, जिसको टक करने में ज़्यादा वो फुली हुई ना दिखे। इसमें भी हम प्लीट्स की डायरेक्शन अपने राइट हैंड की तरफ कर देंगे। उसके बाद जो हमने लेफ्ट की साइड पे जो फैब्रिक छोड़ी थी ना, उस फैब्रिक को हमें थोड़ा सा ऐसे टाइट खींचते हुए इस बने हुए प्लीट के ऊपर इसको कवर करना है। ये देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी इस स्टाइल में। इसको कमर के साइड से ना हम थोड़ा सा टाइट करते हुए लाएंगे और नीचे की साइड से प्लीट की लेंथ देखते हुए हम ऊपर जितना एक्स्ट्रा प्लीट है, फैब्रिक है, उसको हम खींच लेंगे। अब ये वाली फैब्रिक इस पूरे प्लीट के ऊपर ना अच्छे से कवर होगी, तो इसको अच्छे से हमें इसमें रैप करना है। एंड देन यहाँ पे जो प्लीट्स आपकी ऊपर की साइड पे जा रही है, इसको सिंपली हमें अंदर की साइड पे टक कर देना है। तो अगर आपकी प्लीट्स काफ़ी ज़्यादा पतली पतली होगी तो यहाँ पे वो ज़्यादा फुला हुआ नज़र आएगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्लीट्स चौड़े बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे जो आपको नीचे की साइड पे जितनी भी प्लीट्स बनी हुई है ना, उसको एक बार आप काउंट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरी पूरी प्लीट को मैं काउंट कर रही थी तो टोटल 7 था। तो अब दोनों हिस्से पे हम बराबर बराबर प्लीट्स बांट देंगे और बीच वाला जो हिस्सा होगा इसको हमें पीछे की साइड से ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा उल्टा होगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्लीट्स आप ऐसे नॉर्मली बनाओगे एंड देन पीछे की साइड पे जब आप टक कर रहे होगे तो थोड़ा बॉर्डर को आप सीधा कर लीजिएगा और हल्का सा जब ऐसे पकड़ते हुए आप इसको नीचे तक खींचोगे ना, तो ये अपने आप सिक्योर हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पैरों के पास जो प्लीट्स है नहीं अच्छे से बन पा रहा है, तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो। अब आ जाते हैं हमारी पल्लू की साइड पे। तो पल्लू अगेन हम वैसे ही बनाने वाले हैं जैसे हमने स्टाइल 1 में किया था। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा से आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। ऊपर वाले बॉर्डर को बिल्कुल टाइट करते हुए हम अपने कंधे के पास लगाएंगे एंड देन नीचे वाली बॉर्डर को अपने घुटने में फंसा कर हम छोटे छोटे प्लीट्स उठाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जब आप पिन लगा रहे होगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रंट फ्लैट पल्लू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पहले आपको पिन लगाना होगा एंड देन इस तरीके से ऊपर वाले बॉर्डर को स्ट्रेट करना है और सभी प्लीट्स को साथ में लेते हुए एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। तो लीजिए, हमारी नौआरी साड़ी की ये स्टाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन तीनों स्टाइल में आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।